हरियाणा के रादौर में मंदिर की पश्चिमी यमुना नहर के पास खाली पड़ी भूमि पर किए जा रहे अवैध कब्जे के बाद स्थानीय लोग आज थाना प्रभारी से मिले हैं। उन्होंने मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि रादौर के ठाकुर द्वारा मंदिर की भूमि पर किए जा रहे अवैध कब्जे का मामला गर्माता जा रहा है। बुधवार को जहां स्थानीय लोग मंदिर की भूमि पर किए जा रहे अवैध कब्जे को लेकर एसडीएम रादौर से मिले थे, वहीं आज रादौर थाना प्रभारी से मिले हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी सुखविंदर शर्मा ने मौके का मुआयना कर लोगों को जमीन की निशानदेही किए जाने के बाद उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय निवासी सतीश कुमार ने कहा कि ठाकुर द्वारा मंदिर की कुछ भूमि पश्चिमी यमुना नहर के पास भी स्थित है, लेकिन उसने अपनी भूमि के साथ साथ मंदिर की भूमि पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। मंदिर की भूमि पर हो रहे कब्जे के प्रयास से श्रद्धालुओं की भावना भी आहत हो रही है। जो हमारी जमीन है ठाकुर द्वारे के नाम है जी 1285 रकबा है, जो 1286 उनका अपना है, लेकिन ये 1286 की वजह से 1285 में भी कब्जा करने के तंत्र पे आ चुके हैं। ये देखिएगा यहाँ पे इन्होंने नू वगैरह पड़ी हुई है। 1285 में ठाकुर द्वारे के नाम जमीन है सारी रकबा जी। ये दो कनाल तीन मरले जंग है, जिसमें एक कनाल मंदिर हमारा बना हुआ है, एक कनाल तीन मरले जंग बची हुई है यहाँ पे मौके पे ऊपर। तो समाज ये चाहता है कि जी ठाकुर द्वारे की जमीन जो है ठाकुर द्वारे के नाम खाली छोड़ दी जाए, जिसमें हमारे खेड़े का या किसी का भी भंडारा वगैरह हो तो अपनी जमीन के अंदर हम कर सके। ये मेरे पास ना सैनी समाज के कुछ खेड़ा मोहल्ला से लोग इकट्ठे होकर आए थे कि जो है ना एक रघुवीर सिंह वगैरह जो है ना मंदिर की जमीन 1285 खसरा नंबर 1285 पे नजायज कब्जा कर रहे हैं। तो मैंने आके मुआयना किया मौके का, तो यहाँ पे कोई जो है ना आज नहीं मिला, ना ही कोई काम लगा हुआ मिला। तो अभी लोगों ने कहा कि तहसील में हम जो है ना अपनी निशानदेही के लिए दरख्वास्त देंगे, जहाँ पे निशानदेही होगी उसके हिसाब से नीवे भर लेंगे, निशानदेही कराएंगे, निशानदेही के अनुसार जैसा भी होगा गाँव में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी नियमानुसार। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।